Most important exercise. Looks easy but really difficult. इसके formula में आप पढ़ने में बहुत आसान हो। जैसे ही question में convert करना शुरू करेंगे, भूलना शुरू होगा। जैसे ही question में convert करना शुरू होते हैं, भूलना शुरू हो जाता है। हम damn सीधे समझो। देख लीजिएगा ज़्यादा दूर नहीं कभी हम question 10.4 जो है बेसिकली आप लोगों के पास सम डिफरेंसेस एंड प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन के बारे में इसके 8 फार्मूलाज हैं। इनको हम लोगों ने क्या है? मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ये याद करें। अच्छा बेटा एक बात तो ये ध्यान में रखिएगा कि हम लोग सम डिफरेंसेस या प्रोडक्ट के बारे में इसके साइन एंड अगर हम प्रोडक्ट को लेकर के चले तो हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी है। इसको याद करने का तरीका साथ-साथ में बता सकते हैं। होता है साइन अल्फा cos बीटा या cos अल्फा sin बीटा या sin अल्फा sin बीटा cos अल्फा cos बीटा और sin बीटा साथ में ये प्रैक्टिस के साथ फार्मूला को इसके सामने आ जाएगा आपका। प्रोडक्ट में ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं, सबके साथ 2 लगा जो आखिर में दोनों साइन है उसके साथ माइनस, दोनों साइन है उसके साथ माइनस। पहली बात जो याद करनी है ये 4 फार्मूला याद करके आगे 4 किसी से रिलेटेड जब भी प्रोडक्ट साइन एंड कॉस पहले आए बाद में या इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं। अच्छा साइन एंड कॉस है तो दोनों साइन है आगे जो आंसर होगा वो साइन है। अगर दोनों cos और दोनों sin आए तो आप लोगों के पास cos में आंसर है। क्या बताया मैंने कहा अगर प्रोडक्ट में sin एंड cos आए तो cos पहले आए वो बाद में आए आपके आंसर में दोनों sin है। अगर दोनों sin या दोनों cos इकट्ठे आ रहे हैं प्रोडक्ट में तो दोनों आंसर में आप लोगों के cos आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद करें। आगे 8 फार्मूला आगे 4 है उसके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बात दूसरी बात इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं। प्रैक्टिस से नहीं बेटा हम प्रैक्टिस ही है। ठीक है दोनों साइन आएंगे साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा और माइनस साइन अल्फा माइनस। इसको इस तरह याद करते हैं, प्रैक्टिस ही है, हंसने की बात भी नहीं है। देखो दोनों साइन इकट्ठे हैं तो पहले अगर साइन आता है तो इसका मतलब है दोनों साइन इकट्ठे का मतलब होता है जो चीज जमा हो। 2 cos इसका मतलब है cos ने साइन को जुदा कर दिया। इसका मतलब क्या है cos ने साइन को जुदा का मतलब होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे 4 आप लोगों को जब जैसे ही 8 इकट्ठे लिखे जाएंगे ना क्वेश्चन में इसलिए मैं करते हुए होना की साबित अच्छे से समझिए। cos ने sin को समझ आए जब दोनों cos होंगे तो cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस ठीक cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस। इस माइनस की वजह से वो क्या sin cos q के पावरफुल है। इस तरह याद कर सकते हैं cos q के पावरफुल है उसने प्लस का साइन दे दिया क्योंकि sin पावरफुल लेस पावरफुल है तो इसकी वजह से क्योंकि आप लोगों को जंग नहीं हो रही है पावरफुल इन द सेंस कि cos अब्सॉर्ब कर लेता है माइनस को। इस वजह से इन 4 फार्मूला देखिए लिखने में बहुत आसान है लेकिन जैसे ही हम आगे 4 करेंगे ये भूलना शुरू होगा। अब हम मूव करते हैं आगे 4 ये सिर्फ प्रोडक्ट। अब हम करते हैं सम एंड डिफरेंसेस। एक तो याद ही नहीं रहता सम एंड डिफरेंसेस का फार्मूला, वो इसका उलट। ये अभी हम लोगों ने ये चीज लिखी है, ये आ गया, अब ये लिखेंगे वो आ गया। अब हम लोगों ने इसके मुताबिक पहला है, इसको देख कर चारों याद कर सकते। ये है साइन पी प्लस साइन क्यू, इसको देखना, और साइन पी माइनस साइन क्यू, ठीक है। नीचे क्या होगा, कॉस पी प्लस कॉस क्यू कॉस पी माइनस। अब यकीन करें उसी तरह ही देखिए, ये प्लस जब और अभी तो प्रोडक्ट है, ये प्लस है और डिफरेंस है, उसका आंसर वही है, टू है साइन पी प्लस क्यू ओवर टू। और आप लोगों के पास क्या है बेटा, कॉस पी माइनस क्यू ओवर नीचे वाला। इसी से हमने इसको बनाया, अल्फा की जगह पी प्लस क्यू ओवर टू और बीटा की जगह पी माइनस क्यू ओवर टू। इसका थ्योरम भी इतना ही आसान है कि कभी नहीं आता, बहुत ही आसान है। साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला, कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा का माइनस बीटा, प्लस माइनस के लिए वो फार्मूलाज बन जाते हैं। और अल्फा बीटा की जगह पी और क्यू पुट देने के लिए फार्मूला बन जाता है। लेकिन फिर भी हमारे पास क्योंकि एग्जाम्स में टाइम नहीं होता हमें याद करने, कोई मुझे इसका फार्मूला बताए, sin p - sin q क्या आना चाहिए, 2 cos p + q ओवर 2 sin p - q ओवर, नीचे वाला बताएगा कुछ, 2 cos p plus q over 2 cos p minus q over 2। नीचे वाला कोई बताएगा, अच्छे से पास कर देंगे, minus 2 sin लिखो, sin p plus q over 2 जी माइनस। ये समझ नहीं आनी, ये तो दो तरह फॉर्मेट आते हैं, मैं जो ये आप लोगों को याद कर, मैं समझा इसलिए हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। सिर्फ वो वाले तीन चीजें याद रखें भाई, प्रोडक्ट होता है sin अल्फा cos बीटा cos अल्फा sin बीटा, ये दोनों sin है दोनों। फिर एक बात हमने कही, जब भी साइन कॉस आया तो दोनों साइन आए, आगे वाले आंसर में साइन आए, वो प्लस माइनस बाद में आएगा। अगर दोनों साइन या दोनों कॉस इकट्ठे आ जाए तो आंसर में क्या आएगा। फिर हम लोगों ने इसको याद किया, टू साइन, पहले वाला था टू साइन, इसका मतलब है साइन ने आपस में इकट्ठा किया, दोनों में प्लस आ गया। टू इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं, टू एस सी, टू सी एस। तो सी ने ना क्या कर दिया, जुदा कर दिया, किसको, एस को, दोनों साइन को जुदा कर दिया, इसका मतलब क्या है, दोनों साइन में, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये आसानी से, अच्छा मैं जब कह रहा हूँ कि क्वेश्चन में डिफिकल्ट कैसे होगा, अभी देखते हैं हम लोग कि क्या वाकईतन ये चीज डिफिकल्ट होगी या नहीं। एक बच्चा एक काम करे, इसको ना ये क्वेश्चन आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं, पूरा टाइम ऊपर दिया है, इसको एक टिक बना करके अपने पास जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आप लोग मुझे रेस कर दो। जैसे नहीं यहाँ सारे सवाल जहाँ सामने लिखते हैं, कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट क्या कह रहे हैं, साइन थ्री थीटा कॉस थीटा। चले इस तरह उनको बताइए जी, कौन सा फार्मूला लगेगा, 2sc। पहले तो है कि दोनों, एक साइन है एक कॉस है, तो हमारे आंसर में क्या है, दोनों साइन है, हमारे आंसर में 2sc। तो दोनों साइन इकट्ठे आ गए, तो आंसर आप लोगों के पास आ गया, साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और प्लस आएगा साइन अल्फा माइनस। इसकी जगह आप लोग वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास है sin 3 थीटा प्लस थीटा और प्लस साइन 3 थीटा और माइनस इज इक्वल टू साइन 4 थीटा प्लस कोई आगे नहीं करना, आपने प्रोडक्ट ही बताना था उसका क्या होगा। लुक्स इजी कैसे डिफिकल्ट, इसका दूसरा पार्ट बताइए। ये पार्ट फर्स्ट है, अभी हम लोग पास सेकंड है। 5 थीटा 2 cos 5 थीटा sin 3 जी, इस तरह फार्मूला बाद में देखिएगा, कोशिश करते हैं। cos sin इकट्ठे हैं तो इसका मतलब है sin आएगा अल्फा प्लस बीटा, ये नहीं पता क्या आने वाला है, sin अल्फा माइनस बीटा। अब देखते हैं c ने s को जुदा कर दिया तो आप लोगों के पास आंसर आएगा sin 8 थीटा माइनस साइन 2 क्या आता है 5 थीटा प्लस 3 थीटा 8 थीटा माइनस 5 थीटा माइनस 3 थीटा ये आपके पास हो गया। इसी का कोई और पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पे ही रहिएगा, स्ट्रिक्ट रहिए। क्वेश्चन पार्ट 3 बताइए। इजी नहीं देखिएगा, क्यों नहीं है बताइए। साइन 5 थीटा cos क्या फार्मूला है इसका, कोई फार्मूला फार्मूले के लिए हमें 2 का होना जरूरी है, तो नहीं है। तो आप लोगों ने मल्टीप्लाई डिवाइड तो ठीक है, आप लोगों ने इसका फार्मूला ओपन कर लेना, हमें देखते ही पता चल जाएगा बेसिकली फार्मूला कौन सा है, कौन सा है। अगर 2 ध्यान में रखें 2s दोनों साइन आएंगे और साइन इकट्ठे हैं, हमारे पास है साइन अल्फा प्लस और प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। ये 2 जो है हम इधर डिवाइड कर दें तो मसला तो नहीं है। इज इक्वल टू आपके पास है साइन अल्फा और cos बीटा। अब इसका ये फार्मूला बन गया जो यहां आना चाहिए था, अब हम लोग यहां लेकर के आगे में। अब आप लोगों के पास आंसर होगा 1/2 जी sin 7 थीटा और 3 थीटा प्लस sin। समझ आई? चलिए नेक्स्ट कौन सा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट जी cos 2x + 30 डिग्री आगे cos 2x - 30 2x माइनस दोनों cos है 2 नहीं है बस, बाकी सारा दोनों cos है। उसने क्या किया 1/2 कोई जो मैं करके चले मैं टोटल बता दूं, हम क्या जानते हैं इसके बारे में। इसको अटेम्प्ट इस तरह कीजिएगा सारे सवाल यू नो दैट जी 2 cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा और तो हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन में 2 नहीं है तो आपके पास है cos अल्फा cos बीटा is equal to 1/2 cos अल्फा plus बीटा और plus cos अल्फा minus जी। वैल्यू पुट कीजिएगा 1/2 into cos अल्फा की वैल्यू है 2x plus 30 डिग्री plus 2x minus 30 डिग्री। फिर आप लोगों के पास आएगा cos जी 2x plus 30 degree minus 2x ये minus 2x तो minus minus plus हो जाएगा plus आप लोगों के पास है plus 30 degree जी is equal to 1/2 क्या चीज कैंसिल हो जाएगी 4x हो जाएगा। आपके पास है cos 4x जी क्या चीज कैंसिल होती है तो आप लोगों के पास है cos 60 डिग्री। ये आपका आंसर है 60 डिग्री का आंसर निकाल करके कर दें तब भी आपकी में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2 और हमें फार्मूलाज की तरफ लेकर के चलें। अच्छा, कैसे मुश्किल है आप लोग समझ रहे हैं कैसे मुश्किल है? बताऊं कैसे मुश्किल है? क्वेश्चन नंबर 2 करवाया। ये क्या बात है मुश्किल जो है हमें याद करना है, हमें देखना नहीं। देखिए ये फार्मूलाज आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलेंगे, आंसर शीट में भी नहीं मिलेगी। जब फाइनल एग्जाम में हमें करना क्या है? अब मुश्किल लग रहा है क्वेश्चन नंबर 2। अब आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन मुझे हेल्प करवाने बल्कि हेल्प क्या आपको खुद करवाना है। ठीक, पार्ट फर्स्ट क्या क्या है? sin 5 थीटा प्लस sin हमने देखा प्रोडक्ट नहीं है। अब सम और डिफरेंसेस है, ये फार्मूला को बताते हैं हम। कोशिश करें होता है cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा। बेटा प्रोडक्ट क्या है? ठीक है। अब इसको ना कि हम जहन में कैसे देखोगे? आपको प्रोडक्ट की चीज याद थी, हमने कहा था दोनों। अब इसको उलट सोचे, देखिए दोनों साइन आए किसमें आते हैं? जब प्रोडक्ट में एक साइन और एक कॉस, ऐसे कहा था। जब एक साइन और एक कॉस, गौर करें मेरी बात पे, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। हमने कहा था कि दोनों साइन कब आते हैं? जब एक साइन और एक कॉस, और दोनों कॉस में पता है। और दोनों में प्लस और माइनस कैसे पता चलता था? प्लस क्या चलता था कि उसमें 2sc होता है, 2sc समझ रहे हो? तो फार्मूला क्या आएगा इसका? आपके पास फार्मूला आएगा 2 sin p plus q over 2 cos p minus q over 2। फार्मूला पहले ही याद करने हैं, उसके थ्रू ये याद हो गए, वरना नहीं है। समझ आई बात की बेटा? कैसे याद किया? दोनों साइन कब आने हैं? जब उसके फार्मूला में एक साइन और एक कॉस है। और दोनों साइन में प्लस कब आना है? जब 2sc आएगा, यानी कि cos sin को जुदा नहीं करेगा, तो दोनों साइन इकट्ठे हैं। याद हुआ? आगे वाले क्वेश्चन इंशाल्लाह करेंगे जी। इसका पता चलेगा इसका आंसर। आपके पास है sin 5 थीटा प्लस sin 3 थीटा इज इक्वल टू 2 sin 5 प्लस 3 8 थीटा 4 थीटा और cos 5 minus 3 2 divided by 2। आप लोगों के पास है cos थीटा व्हिच इज इक्वल टू। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का आप कोई और बात करवा दे, प्रैक्टिस करवा दे जी। sin into x plus 30 degree plus sin into x minus 30 degree। वही तो फार्मूला उठा के लाया, फार्मूला डिफरेंट है। कोई और बताइए कौन सा पार्ट बताइए? कौन बता रहा है? मैं बता रहा हूँ। मैं वो 12 के बारे में बात कर रहे हैं, वो ये चले। मैं cos 90 क्यों? चले sin थीटा की तरफ cos थीटा माइनस cos ये पार्ट इधर है ठीक। आएंगे कब आते हैं जब इस तरफ दोनों कॉस हो या दोनों साइन, दोनों कॉस में माइनस कब आता है तो कौन है साइन वाला कमजोर है, इसकी वजह से वो आप लोगों को कॉस लेकर के आता है। तो इसका फॉर्मूला वी नो दैट sin t minus cos p minus क्या हो गया भाई cos q is equal to sin minus आएगा minus 2 sin minus p आएगा p minus q over फॉर्मूला याद करना है 10.4 फॉर्मूले नहीं आते 10.4 नहीं है फॉर्मूले प्रॉमिस आप लोग कभी याद नहीं होंगे जब तक इसकी प्रैक्टिस याद नहीं करते। ये तो मैंने अपनी तरफ से बनाई है, आप अपनी तरफ से भी बना के याद कर सकते हो। तो मैंने इसलिए कि आप लोगों को थोड़ा समझा दूं, आप लोगों को फिर समझ में आता है जी। आप लोगों के पास है जी cos 7 थीटा - cos थीटा = -2 7 प्लस थीटा कितने होते हैं 8 - 2 आप लोगों के